और इस बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगर बात करें तो उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण संगठन नहीं होना रहा है। चुनाव में कांग्रेस की हार पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का यह बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि गुटबाजी की अगर बात की जाए तो गुटबाजी की जो सोच है वो ढीली पड़ जाती अगर संगठन होता। चुनाव आयोग को जो शिकायत की गई है कांग्रेस की तरफ से, उसे लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो जवाब का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर खुलकर हरियाणा में कांग्रेस की हार पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन ना होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कम वोटों से हार हुई उसकी समीक्षा कर रहे हैं। यह भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है क्योंकि उचाना से उनके बेटे चुनाव लड़े थे और मात्र 32 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ गया। गुटबाजी का कारण तो अनेक हैं। गुटबाजी भी जहां मतलब क्योंकि यहां संगठन नहीं था ना हरियाणा में, संगठन हो तो गुटबाजी के की जो सोच है वो ढीली पड़ जाती है क्योंकि संगठन का पदाधिकारी हो, कोई सक्रिय कार्यकर्ता हो, वो पार्टी से अलग हटके पार्टी के विरोध में 10 बार सोचेगा जाऊं ना जाऊं। लेकिन जब संगठन नहीं, आप सिर्फ यही सोचते हो कि मैं तो कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता किस बात के कि टिकट चाहिए कांग्रेस की, टिकट मिल जाए तो आप कार्यकर्ता हो और ना मिले तो फिर आपका कांग्रेस के कार्यशैली से या कांग्रेस के जो भी अनुशासन है उससे कोई ताल्लुक नहीं। और इसलिए जैसे आप करें तो वो फिर वो गुट में ही परिवर्तित होगा। ये तो रिजल्ट है, ये कहीं ना कहीं आंकड़े उल्टे पुल्टे होने में कोई देरी नहीं लगती। और जैसे हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 20 ऐसे चुनावी क्षेत्र हैं जहां हर प्रकार से जो ये ईवीएम है इसमें जो वातावरण बना के काफी 3-3, 4-4 घंटे तक वो निष्क्रिय रही और फिर जैसे बाद में जब आए भी हैं तो बैटरी के भी बहुत से ऐसे किस्से हैं। मतलब कहने का ये है कि इन चीजों का इलेक्शन कमीशन को